आज भी हम कहीं जाते हैं सभी लोग हमको ये बोलते हैं सरकार आपकी है और हमारी सुनवाई नहीं है, फिर कैसी सरकार हमारी। पुलिस गाड़ी पहुंच के ही मुझे बचाई, अन्यथा पालघर वाली घटना हो जाती, मेरे तो प्राण ही उठ गए थे। इतनी संस्कार किसी दुकान में नहीं दिखते, संस्कार अपने परिवार से मिलते हैं। अगर आप न्याय नहीं करते हैं तो कल आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और आप बड़े आंदोलन से आप बच नहीं पाएंगे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। 19,750 में UPSC, SSC, बैंक और NDA की सरकारी नौकरी। SSB कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट के 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल लघुच वाले भिवानी के सामने खड़े हैं और बहुत सारे साधु सन्यासी यहां पर है, न्याय की गुहार लगाते मुझे नजर आए तो हमने भी अपनी गाड़ी रोक ली। वजह पता करेंगे। फिलहाल IPS अधिकारी भिवानी SP से मिल करके आए हैं और फिलहाल यहाँ पर बड़े बड़े साधु हैं जो बड़े बड़े आश्रम या बड़े मंदिरों का संचालन करते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में इन लोगों की, इन महात्माओं की जो अनुयायी हैं या फिर इनकी जो संगत है वो फिलहाल बहुत सारे लोगों की मान्यता है। महाराज जी क्या कुछ कहेंगे, मामला क्या कुछ, आज एक लेटर भी आप लिए खड़े हैं। हमारे महन जी आलोकगिरी जी के साथ में झूपा कला जो लोहारू के अंतर्गत आता है, 3 तारीख को इनके साथ में कुछ सामाजिक तत्वों के साथ मिलकर 50-40 आदमियों ने इनके ऊपर प्रहार किया। प्रशासन को इसको अवगत कराया गया और रिपोर्ट भी दी गई, प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये 5-6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल में भी हमने प्रशासन को के खिलाफ कहा था कि भी आप सब सोमवार तक कार्रवाई करें। आज सोमवार था, सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हमने यहाँ के जो प्रशासन पुलिस अधीक्षक जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं लोहारू DSP को मैं इंक्वायरी करने के लिए अपडेट करता हूँ और जो भी उचित होगा हम न्याय करेंगे और दोषियों को सजा देंगे। अगर ये सजा नहीं देते हैं दोषियों को तो हमारे हरियाणा मंडल के 4,82,000 साधु यहाँ इकट्ठे होंगे और इसके लिए एक भव्य आंदोलन होगा। और मैं प्रशासन को फिर आपके द्वारा अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पर न्याय करें। अगर आप न्याय नहीं करते हैं तो कल आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और आप बड़े आंदोलन से आप बच नहीं पाएंगे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे और कोई अगर दुर्घटना होती है उसके भी जो है आप दोषी होंगे। इसलिए मैं आपके द्वारा प्रशासन को और समाज के अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ, इस साधु के साथ अन्याय हुआ है। अगर ये साधु गलत है तो इंक्वायरी करें और जो होगा तो इनको भी सजा दे, और नहीं तो जो दोषी हैं जो इनके साथ प्रहार किया है, इनको मारपीट किया है और अंदरूनी जो है इनको मानसिक जो है टॉर्चर है, डिप्रेशन में है, इसका कल अगर इन साधु के साथ कुछ हो जाएगा तो इसका जवाब कौन देगा? प्रशासन देगा कि वहाँ समाज के लोग देंगे कि यहाँ के समाज के लोग देंगे? आज इस साधु के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। महाराज जी बड़ा चर्चाओं में रहा जब आपने भारत माता का मंदिर बनाया। भारत माता जिसे हम, भारत एक देश जिसे हम माँ के रूप में मानते हैं, उसकी इतनी पूजा करते हैं और वहाँ पे संस्कृति बड़ी, इतनी विचार इतने फेमस हैं यहाँ के कि विदेशों से अंग्रेज लोग आते हैं और यहाँ के होके रह जाते हैं, यहाँ की संस्कृति में खो जाते हैं, यहाँ की सनातन संस्कृति को सबसे पुरानी कही जाती है। लेकिन आज के कुछ राजनेता, जैसे कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा एक CM है, उनके बेटे का बयान आया था कि मैं सनातन को ही जड़ से मिटाना चाहता हूँ। इस तरह की घटनाएं होती है जो महाराज जी के साथ हुई है, तो हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ ये क्या कुछ हो? देखिए, ये संस्कारों का फल होता है। संस्कार किसी दुकान में नहीं दिखते, संस्कार अपने परिवार से मिलते हैं। उनके परिवारों में उनको ऐसे संस्कार से वो लिप्त हुए हैं, बचपन से ऐसे माहौल में रहे हैं, उनको क्या मालूम कि हिंदू संस्कृति क्या होती है। आज ये छोटी काशी है, छोटी काशी में अखंड भारत माता का मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा भारत माता मंदिर बन रहा है। आज पूरे विश्व के लोग यहाँ जब आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और हमारे छोटी काशी भिवानी का नाम भी जो है विश्व में प्रख्यात होगा। तो इसलिए जो है इन लोगों को ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है, या तो किसी साधु के पास बैठिए तब आपको ज्ञान होगा या अपने माँ बापों के संस्कार से आप लिप्त होइए तब आपको अच्छा ज्ञान होगा। इसलिए इनके जो कहने से कुछ नहीं होता है। हमारी संस्कृति जब से मोदी जी 2014 के बाद में मोदी जी ने जब से सत्ता संभाला है हमारी संस्कृति का उत्थान हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो आस्था बढ़ी है वो एकदम बहुत तीव्र गति से बढ़ी है और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा
हम इसमें हमारी आस्था वो ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। और जो कुछ तुच्छ मानस होते हैं वो तो हर समाज में भी होते हैं, लेकिन बराबर नहीं होती है। उन्हीं की सरकार के दौरान नूह जैसी घटनाएं हो जाती हैं, एक धार्मिक प्रकरण हो जाता है। घर में पाँच आदमी होते हैं, क्या पाँचों बराबर होती है? नहीं ना होता है। उसी तरह से है कि समाज का है, उसको समझाया जा रहा है किसी भी तरह से। कल भगवान उसको सद्बुद्धि दे, हम भी भगवान भगवती जगदम्बा पितामह रमा कामाख्या से आराधना करते हैं कि उसको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, और जो है वो अपने धर्म पर दृढ़ हो। क्योंकि भारतवर्ष, हम जब संकल्प लेते हैं पूजा पाठ करते थे, भारतवर्ष से अखंड भारत, हाँ जम्मू पे भारत खंड है, भारतवर्ष से बोलते हैं कि हमारा भारतवर्ष था, है और रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे कितने भी अबुद्धि लोग आएँ, बुद्धिमान लोग आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हमें जो है हमारा अखंड भारत को बचाने में हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा महाराज जी, साधुओं को लेकर के कहा जाता है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि साधु हैं, इनके पैर पड़ना है, इनकी पूजा करनी है, इनको उल्टा नहीं बोलना है, कोई उल्टा जवाब नहीं देना है। और आज एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि साधुओं की पिटाई तक कर देते हैं लोग। कितना समय बदला है और इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? ये सनातन धर्म का शिक्षा दीजा, कभी अभी लोग मानते को नहीं। बाकी शिक्षा देनी चाहिए संतों से और संतों की सेवा करनी चाहिए। हम महाराज जी के साथ हैं, पूरे साधु समाज। महाराज जी के साथ जो घटना हुई है वो निंदा अलग है, हम इनके साथ में हैं। जय श्री राम। महाराज जी, आज SP से मिले हैं, आपने अपनी शिकायत भी पहले दे रखी है। पूरा मामला क्या था? आपसी रंजिश थी कोई, वहाँ पे कोई लालच आ गया था आपके मन में या फिर सामने वाली पार्टी के मन में? असली वजह क्या थी? क्योंकि एक साधु पर जब हाथ उठता है उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं, और वहाँ तो यूँ कहा जाता है कि पूरा गांव ही आपके खिलाफ खड़ा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरा गांव मेरे विरोध में है। कुछ गुटबाजी राजनीतिक प्रकरण की वजह से कुछ लोग पौराण गोत्र के लोग मेरे विरोध में हैं, और उन्होंने अपने अपने जो वो अपने अपने विशेष गोत्र को महत्व देके इन लोगों ने पहले भी मेरे साथ दो तीन घटनाएं करवाई हैं। एक महिला का भी ब्लेम लगाया कि मारपीट कर दी, धक्का दे के प्रसाद नहीं चढ़ा देने दिया। वो सब घटनाएं सब गलत साबित हुई हैं, पुलिस प्रशासन ने भी देखा है, वहाँ जाके भी मेरे खिलाफ पहले भी किया है। दारू पी के मंदिर में आए, जूते चप्पल लाए, फिर उनको अगर साधु नहीं डांटे और डांटे उनको कहें तो वो उनका ही पक्ष ले रहे हैं, उनके गोत्र वाले की नहीं, कुछ भी नहीं है। जो है एक तरह के तालिबानी राज कर रहे हैं। अब गांव में और भी हैं, उन पे भी जो कोई भी मेरी बचाव कर रहा है वीडियो में, उनको सबको धक्का दे रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि कोई भी बीच में आएगा तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो कोई बचाव में नहीं आया, और कोई सेवक थे और बाकी 112 पुलिस गाड़ी पहुंच के ही मुझे बचाई, अन्यथा पालघर वाली घटना हो जाती, मेरे तो प्राण ही उठ गए थे। इतने आदमियों में बताओ बचने की कोई उम्मीद थी क्या? लेकिन बात कहाँ बिगड़ी? वो लोग आपको वहाँ से निकालना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप उस आश्रम में ना रहें। ये सब राजनीतिक प्रकरण है। मैंने वहाँ 6-7 साल से रह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, पहले कोई घटना नहीं हुई। अभी 2-3 महीने से ही, जब से इलेक्शन हुए हैं वहाँ के जो पंचायती राज के, उनके बाद में ही ये लोग है ना, जो धीरे धीरे अपना गुट गिरोह किया, हमारा ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर। पहले भी मेरे साथ कुछ घटनाएं करवाई, दारू पिए हुए भेजे, और भी कईयों से ड्रामाबाजी करवाई, और बाकी सारे गाँव में ऐसे शांतिप्रिय। मुझे उस क्षेत्र में 10-12 साल हो गए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि मेरे खिलाफ कोई भी साक्ष्य मिला हो। अगर मैं गलत हो तो मुझे दोष मिले, अगर वो गलत है तो उनको दंड दिया जाना चाहिए ना, लेकिन मेरी कोई बात सुना नहीं, बाहुल्य के आगे सब कुछ हार जाता है जी। लेकिन आप अभी न्याय चाहते हैं या वापस उस जगह जाना चाहते हैं? दोनों चीज़ों पर ही आप पड़े। मैं न्याय भी चाहता हूँ, और मुझे सहसम्मान से जो मेरी आत्मग्लानी आत्मा को जो ठेस पहुँचाया साधु संतों में और पब्लिक में गलत प्रचार गया, कि मैं एक बार वहाँ भी जाना चाहता हूँ कि एक बार वहीं रहें, पुलिस प्रशासन मेरी मदद करें, मुझे सहयोग करें। और जिस नगरी में यूँ कहते हैं कि भाव नहीं होता, वहाँ तो साधु रहते ही नहीं, फिर वापस क्यों लौटना चाहते? ऐसे लौटना चाहते हैं कि जहाँ से आदमी इज्जत गिर गई तो वहाँ कम से कम 10-20 दिन, महीने, 2 महीने, ऐसे कोई बात नहीं कि हम वहाँ रहे, लेकिन कम से कम उनको ये तो मालूम चलना चाहिए कि दोषी कौन है, दोषी कौन है। अगर वहाँ हम रहे ही रहेंगे तो सबकी नज़र में तो ये आएगा कि दोषी था, तभी वो भगोड़ा हो गया, भाग गया, आया ही नहीं उसमें, अगर हिम्मत होती तो वहाँ लौट के आता, आसन पर बैठता। चलिए, क्या कुछ कहेंगे महाराज जी? आप तो अलग का आश्रम, इतनी ज़्यादा मान्यता बहल में, हालांकि यहाँ जितने भी साधु खड़े हैं किसी न किसी आश्रम या किसी मंदिर के साथ जुड़े हैं, और वहाँ लोगों की मान्यता है तभी वो आश्रम वो मंदिर चलते हैं। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इतने सारे अनुयायी अलग आश्रम के हैं, भक्त हैं, और एक तरफ ऐसा हो जाता है कि उसी के अड़ोस पड़ोस में एक गाँव है, वहाँ पर ऐसा माहौल हो जाता है एक साधु के साथ इस तरह का? यह जो कार्य हुआ है बहुत ही निंदाजनक है,
और सारा समाज वहाँ पे उनको भ्रष्ट रहा है। जैसा कि महात्मा जी ने बोला है, गोत्र विशेष का हम लोग नहीं मानते इस चीज़ को, हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, सभी लोग हमारे लिए अच्छे हैं, सभी से हमारा मेल मिलाप है, सभी से जुड़ाव है। कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं, हर समाज में होते हैं, हमारे पांच उंगली हैं, ये पांच उंगली हमारी एक बराबर नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो ऐसे ही हर समाज में उत्पादी होते हैं, वो उत्पादी लोग हैं, हम लोग उस समाज से नहीं जोड़ते उनको, उन उत्पादी मानते हैं, उन उत्पादी लोगों को चिन्हित कर हम चाहते हैं संत समाज के अंदर सहानुभूति जुड़े, सरकार के प्रति विश्वास जुड़े और जो घटना हुई है उन दोषियों को अंदर किया जाए, उनको मुकदमा किया जाए, मुकदमा करके उनको जेल भेजा जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो संत महात्मा ने इस सरकार के प्रति भी रोष पैदा होगा, प्रशासन के प्रति तो रोष है क्योंकि संत महात्मा आज भी हम कहीं जाते हैं सभी लोग हमको ये बोलते हैं सरकार आपकी है और हमारी सुनवाई नहीं है, फिर कैसी सरकार हमारी? सरकार हमारी है तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो और एक समाज में मैसेज जाए और सभी संत महात्मा इस चीज़ को माने कि हाँ बाकी में सरकार हमारे साथ खड़ी है, यदि हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी है। लेकिन आज SP साहब से मिले हैं आप लोग, एक कमेटी मिली है, तो वहाँ से कोई उम्मीद जगी है? SP साहब ने हमको आश्वासन दिया है, बोला है भाई दोषी जो भी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे और जो जैसा भी है सही सच्चाई का साथ देंगे और जो भी निर्णय होगा वो हिसाब से करेंगे, यदि कहीं भी कोई गलती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, संत महात्मा सारे पूजनीय हैं, सभी गांवों में महात्मा रहते हैं, यदि कोई महात्मा कहीं रहता है तो यदि उसके कोई विरोधी हैं किसी प्रकार से हैं, यदि महात्मा में कोई कमी भी है तो आप संत महात्मा क्षेत्र के इकट्ठे करो, उनको इकट्ठे करने के बाद में बाकायदा उनकी गलती को अदरवाओ, ये गलती है, वो महात्मा उन पर दबाव बनाए, वो महात्मा जगह स्थान छोड़ें, ये नहीं है आप इकट्ठा बना के टोड़ बना लो, अपने रिश्तेदार बुला लो और आके तालिबानी राज के तहत आप एकदम कार्रवाई कर दो। यदि बात सुनो, यदि यही घटना भिवाणी में हो जाती, लोहारू तहसील में भिवाणी जिले के अंदर, जैसे पालघर बदनाम हो चुका है पूरे विश्व के अंदर, ऐसी भिवाणी बदनाम हो जाती, यह तो कोई परमपिता परमात्मा की कृपा है, यह भिवाणी बदनाम नहीं हुई, कुछ शरारती तत्वों के कारण पूरी भिवाणी बदनाम होती। आज पालघर पूरे विश्व में बदनाम है, क्यों? पालघर में अच्छे काम है वो गिनती नहीं है, दो महात्मा की निर्मम हत्या हुई है वो उस कारण आज भी बदनाम है पालघर। तो भाई फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है। और शर्मा जी एक बात और भी है, जैसे महात्मा जी ने ये बताया कि सात महाराज जी ने वहाँ हो गए, जो वहाँ कुत्ते रोया करते, जब वो गाँव वाले कहाँ गए थे? जब वो गाँव वाले कहाँ गए थे? जब वो कुत्ते रोया करते वहाँ, जब वहाँ खंडर पड़ा था, एक संत ने जाके वहाँ अच्छी तरह गांव का भला कर दिया और उस मंदिर को बढ़िया तरह अच्छी तरह उसकी सेवा पानी करके अच्छी तरह वो मंदिर तैयार कर दिया। और कुछ लोगों ने राजनीतिक लोगों ने शरारती लोगों ने वहाँ जाके एक मंदिर के ऊपर वारदात करते हैं किसी साधु के साथ, और साधु जब उसको मंदिर में पढ़ने देते तो उन्होंने कहने की साधु खराब है और साधु ने रोक दिया तो साधु खराब बता दिया। तो इसका मतलब ये ही रह गया, मतलब जिसकी लाठी उसकी मैस, चाहे वो साधु हो अच्छा को सामाजिक हो। तो इसका मतलब फिर ये जो लफंडर तब के जो बच्चे हैं वो ही रह गए। यहाँ पे सुरेश सैनी हैं, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े होते हैं और मीडिया कोऑर्डिनेशन का होता है इनका, कई बार मेरे पास कॉल करते हैं, क्या कुछ कहोगे? फिलहाल साधुओं के बीच में रहते हो आप, सामाजिक संस्थाओं के बीच में रहते हो, ये लोहारू में जो घटना हुई है उसमें मुझे लगता है जो गुंडा तत्व लोग हैं उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके एक साधु महात्माओं की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, ये बिल्कुल ही गलत है। और ऐसा नहीं है, भारतवर्ष पूरे आज़ाद देश है, इसके अंदर संविधान है, ऐसा ना है कि जो खापे इकट्ठा होके ऐसे फरमान जारी कर दे कि इसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब तो हमारा ये ट्रेलर है, छोटा सा ट्रेलर है, इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सामाजिक संगठन और अन्य जो हमारे साथी हैं सभी इकट्ठा होकर भिवाणी शहर के अंदर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और प्रशासन को एक बार चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप किसी को कमज़ोर ना समझें। कई बार इकट्ठा ऐसा होता है कि खापों ने इकट्ठा करके एक संगठन बना लिया, ऐसी कोई भी खापे रजिस्टर्ड नहीं है, केवल गुंडा तत्व लोगों ने इकट्ठा करके महात्माओं के साथ जो मारपीट की है उसकी हम निंदा करते हैं और भविष्य में एक बार आगाह भी कराना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति कमज़ोर ना समझे। हमारा समाज, हमारा संगठन हमारे साथ है, सामाजिक संगठनों को अलग साथ है महाराज जी के। अगर हमें जो भी आदेश मिला तो हम आपको दो चार दिन में दिखा देंगे कि हमारी मजबूती कितनी है। जी भाई, फिलहाल आप लोग कमेंट में, जो लोग उस गांव के आसपास के लोग जो देख रहे हैं इस घटना के साथ जुड़े हैं, जिन्हें जानकारी कमेंट में जरूर कि इस वीडियो को शेयर करें। लेकिन साधु संन्यासियों के साथ इस तरह का आघात उनको पहुंचाना, उनके साथ इस तरह का मामला सामने आना, कहीं ना कहीं सनातन की गिरावट तो है,
स्टालिन ने तो खाली एक बयान दिया है, लेकिन जो हमारे हरियाणा राजस्थान ये जो लोग कल्चर के साथ धर्म के साथ जुड़े हैं, मजबूती जो लोग देते हैं, वही लोग अगर उन्हीं में से कुछ लोग अगर इसके विपरीत खड़े होंगे तो फिर हमारा सनातन कैसे बचेगा, हमारी संस्कृति ऊपर कैसे उठेगी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय।